टाइटन में ब्रेकआउट दिख रहा है क्या? टाइटन में अगर हम लोग देखेंगे तो मुझे थोड़ा सा ऊपर से एक थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर लग रहा है, लेकिन इसमें अगर हम लोग देखेंगे आवरली चार्ट के ऊपर एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन भी बना है, जो मेरा फेवरेट पैटर्न है, जिसके ऊपर मैं शॉर्ट हमेशा रिकमेंड करता हूँ क्लाइंट्स को। काफी बार निफ्टी में भी वही पैटर्न बनाता उसी हिसाब से, तो स्टॉप लॉस मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे वीकली के ऊपर ये काफी बुलिश दिखा रहा है, ब्रेकआउट भी आया है, और लेकिन आवरली के ऊपर थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर भी दिख रहा है मुझे। तो एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, मैं बड़े टाइम फ्रेम के लिए प्ले नहीं कर रहा हूँ, 20-25-50 रुपए के लिए प्ले कर रहा हूँ, उतना ही मेरा स्टॉप लॉस है। तो इस वजह से मैं वीकली नहीं देख रहा हूँ, आवरली चार्ट से देख रहा हूँ, तो ठीक वीकली है, के ऊपर ब्रेकआउट जरूर है। लेकिन लेकिन नितिन जी, अगर किसी का थोड़ा बड़ा नजरिया हो, अगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ से 25-50 रुपये नीचे चला जाएगा या 100 रुपये भी नीचे चला जाए, 2600 का भी लेवल अगर मुझे देखने को मिले, लेकिन आगे चल करके मेरे को क्या आगे 2800, 2900, 3000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं? अगर मैं लंबे चार्ट की बात करूँ तो क्या आप देख सकेंगे या आपका नजरिया बायस होगा और अभी आप उसको स्किप करना चाहेंगे? जी सर, मोमेंटम तो टाइटन में अच्छा खासा है। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, जब तक ये स्टॉक 2500 के ऊपर है, जिनका भी लॉन्ग टर्म का व्यू है उनको डरने की जरूरत नहीं है। ये एक तरीके से एक इंडिकेशन दे देता है कि ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो वही है, लेकिन फिलहाल निकलेश जी जो देख रहे हैं या जो फोकस कर रहे हैं वो बहुत एक शॉर्ट टर्म के अंदर में अवली चार्ट को देख रहे हैं इसीलिए, और डे के चार्ट को देख रहे हैं और उसके अंदर में नीचे के लेवल्स देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो निकलेश जी आप शायद जो कह रहे हैं वो ठीक है कि हाँ एक ऊपर के लेवल्स और ऊपर के लेवल वो देखने को मिल सकता है।